छह वर्षों से लगातार भाटापारा का गौरव बना आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, दो वर्षों से लगातार मुख्यमंत्रियों द्वारा एकेडमिक एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित, नवोदय हेतु कोचिंग की व्यवस्था सिंगल सिटिंग अरेंजमेंट के साथ स्वच्छ वातावरण में भविष्य निर्माण, फुल डक्टिंग एसी के साथ छात्र छात्राओं के लिए हॉस्टल फैसिलिटी विद अ न्यूट्रिशन फूड, पूरे जिले में बस सुविधा उपलब्ध, रेगुलर स्विमिंग क्लासेस के साथ स्मार्ट क्लास व नौ निर्माण, वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देता। तो आज ही संपर्क करें अपने बच्चों के भविष्य को एक मजबूत आधार देने के लिए आधारशिला रेसिडेंशियल कम डे बोर्डिंग स्कूल, ग्राम बीजाभाट, भाटापारा, बलौदा बाजार। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरजे रामझाजर, मैं हूं राजकुमार यादव। लॉकडाउन के कारण लगभग सभी काम बंद हैं, ऐसे में मजदूरों को काम उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा गांव-गांव में पंचायत एवं अन्य निर्माण एजेंसी के माध्यम से मनरेगा के द्वारा काम कराया जा रहा है। इसके तहत रायगढ़ जिले में फिलहाल 60,000 से अधिक मजदूरों को काम दिया जा रहा है। आपको बता दें कि इसमें बरमकेला ब्लॉक का जहां तक सवाल है, यह कुल 96 पंचायतों में सिर्फ 2 को छोड़कर शेष 94 पंचायतों में 10,000 से अधिक मजदूर को काम उपलब्ध कराया जा रहा है। आगे मजदूरों की संख्या में और बढ़ोतरी की संभावना है। कुल मिलाकर प्रशासन के दावों के मुताबिक ग्रामीण अंचल में मजदूरों को काम के लिए भटकना नहीं पड़ेगा, परंतु इस बात की भी ध्यान रखने की जरूरत है कि मजदूरों को ज्यादा से ज्यादा काम देने के चक्कर में पंचायतों में गड़बड़ी की आशंका है, क्योंकि इसके पहले जब पूरा मामला सिर्फ मनरेगा के काम में लगा था और काम भी कम था, तब भी रायगढ़ जिले में बहुत सारा गड़बड़ी उजागर हुआ। ऐसी स्थिति फिर न आए, इस बात पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। इस दौर में लॉकडाउन की स्थिति में मजदूर कई जगह फंसे हुए थे, उनकी वापसी की दौर चालू हो गई है, अब उनके सामने रोजगार की समस्या बनी हुई है। इस समस्या को दूर करने के लिए सरकार कई तरह के उपाय कर रहे हैं, जिसमें एक रोजगार गारंटी योजना भी है। रोजगार गारंटी योजना के तहत बरमकेला की 96 पंचायतों में से 94 पंचायत में भी काम जारी है, जिसमें लगभग 10,000 लोगों को रोज रोजगार मिल रही है। इसके तहत आने वाले समय में मजदूरों की संख्या बढ़ेगी और उनके रोजगार के अवसर मिलेगा। आप देख सकते हैं कि रोजगार गारंटी अभियान अभी इस विषम परिस्थिति में इन श्रमिकों के लिए, इन मजदूरों के लिए रोजगार और जीवन यापन का एक सहारा बना हुआ है। इसमें जरूरत है कि इस अभियान में बहुत तुरंत उनको लगातार भुगतान देने की, ताकि उनकी रोजी रोटी की समस्या किसी तरह से ना रहे। साथ ही शासन के नियमों की अनदेखी भी ना हो, जिसे बाहर से आए हुए मजदूरों के साथ आपस में मेलजोल से महामारी का खतरा भी ना हो। हमारे यहाँ काम करो या मजदूर भाई जानना चाहो कि काम में कोई अच्छा नहीं था, पेमेंट मिला थे कि नहीं, क्या हाल चाल है? राजू चौहान सर। राजू चौहान जी, आप कब ले काम कर रहे हैं? जब ले नया तालाब करीकरण शुरू हुई तब कर रही। जबकि मजदूर है सब लोग पूरा काम मिला थे? हाँ, सब लोग पूरा काम मिला, महिला पुरुष सब लोग मिला थे। पेमेंट वेमेंट है रोजगार गारंटी को बहुत लेट हो थे, तो आप मतलब मिली थी नहीं? हाँ, मिल गया सर, मिल गया। अच्छा, तो यहाँ कुल मिला के आप मतलब कोई परेशानी नहीं है? परेशानी नहीं है सर, सब लोग बढ़िया काम मिला थे, सब गरीब भाई बढ़िया सब काम पाया, बढ़िया चला सर। आया सत्यनारायण जी, यहाँ क्या काम चला थे, थोड़े से कर बारे में जानकारी दी है आपने? नवा तालाब गहरी कर रोजगार गारंटी के काम चला थे, मैं तोहर यहाँ के सब मजदूर भाई मल्ला महिला मल्ला सब लोग पर्याप्त काम मिला थे? पर्याप्त काम मिला थे। अच्छा, और कुछ कहना है शासन ला सरकार ला व्यवस्था में मजदूर भाई मन बनाओ, कुछ सुविधा के बारे में, कुछ चीज के बारे में? अभी तो ठीक है जी। कमला सिदा यहाँ के जी काम करे थे तुम परिवार में? कतक दिन ले कर रहे? 6-7 दिन। रोजगार गारंटी में समझ आया कि जितनी महिला पुरुष सब लोग काम मिला था नहीं बना? हाँ। तो यहाँ अभी कोरोना बीमारी फैले है, तो हाथ धोए भरे थोड़े दूर दूर रहे भरे बांधे रहे भरे बताई नहीं उसने जानकारी? हाँ। तो उसने पालन करा था नहीं? हाँ। है? हाँ। क्या करे भरे क्या बताई नहीं? सागून में हाथ धोए मास्क लगाए। इसके अलावा देख रेख करने के लिए यहाँ पर पंचायत के कुछ पदाधिकारी हैं, मैं उनसे जानना चाहूँगा कि यहाँ पर क्या काम चल रहा है, क्या नाम है? यहाँ पर सरपंच है, सरपंच जी आपन क्या नाम है?
यही इंतजोन में बता बताओ। ग्राम पंचायत अमेरी के सरपंच फूल भाई सुभाष चौहान, यहाँ तालाब निर्माण का कार्य हो थे। मजदूर है तो हर यहाँ के सब लोग काम मिला थे, सब लोग काम मिला थे, सब अच्छा से आते हैं, काम भी अच्छा से करते हैं। क्या काम चल रहा है? रोजगार का नाम, रोजगार का यहाँ पर रोजगार पाक है, रोजगार पाक आपके क्या नाम है? मेरा नाम चूड़ामी संतोष पटेल है, मैं ग्राम पंचायत अमेरी का रोजगार सहायक हूँ। और यहाँ पे रोजगार गारंटी के तहत नया तालाब निर्माण कार्य का काम चल रहा है। यहाँ पर और क्या क्या काम हुआ है इसके पहले की? इसके पहले यहाँ पे गोठान निर्माण का काम स्टार्ट हुआ है, वो भी चल रहा है। वो पहले मतलब सीपीटी और डब्ल्यूटी का काम पूर्ण हो गया है, और उसमें अभी मतलब गोठान में और काम निर्माण करना है, अभी वो थोड़ा स्थगित। इसमें सोशल डिस्टेंसिंग और जो भी नियमों का पालन कराना है, हाथ धोना है, आने और जाने के समय ध्यान रखना है, सारी चीज मास्क बांटना है, सारा चीज कर लिए। हाँ जी, यहाँ पे मतलब सब हो रहा है, सैनिटाइजर है, साबुन है, पानी वानी सब उपलब्ध है, यहाँ पे सब नियमों का पालन। निगरानी करने के लिए रोज मौजूद रहते हैं? जी, यहाँ पे मैं रोज यहाँ पे उपस्थित रहता हूँ। ब्लॉक में रोजगार गारंटी की स्थिति के बारे में यहाँ के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री कोयाम जी है, एसएस कोयाम जी, उनसे जानना चाहेंगे कि अभी मजदूरों को काम देने के लिए ब्रह्म कलापक विकासखंड के कितने पंचायतों में काम चल रहा है, कितने मजदूरों को काम मिला है, इस संबंध में बताएंगे। जिन पंचायत ब्रह्म कला क्षेत्र अंतर्गत 96 पंचायत है, जिसमें से 94 पंचायत में काम रोज चल रहे हैं, प्रतिदिन 2 पंचायतों में शेष स्थान स्वीकृति हो गई है, उसमें भी काम कुछ दिनों चलने लगेगा। अभी वर्तमान में कुल लेबर संख्या 10,241 लेबर चल रहे हैं, जो पिछले विगत 2 साल में 6,000 से ऊपर नहीं जाते थे, इस बार 10,000 से ऊपर चल रहे हैं लेबर, और आगामी सप्ताह भर में 15,000 तक का लक्ष्य है जो पूरा करेंगे। इतने सारे मजदूर जिला पंचायत कार्यालय द्वारा निर्देश दिया गया, उसी परिपालन में ग्राम पंचायत के सचिव द्वारा जो भी लेबर मनरेगा में काम कर रहे हैं उनको मास्क वितरित किया गया है, और कार्यस्थल पर हैंड वॉश करने की सुविधा उपलब्ध कराई गई है, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने भी बोला गया है। मनरेगा के काम को बहुत ही गंभीरता से लेने की जरूरत मालूम पड़ती है। रायगढ़ से मोहन नायक की रिपोर्ट, आरजे रमझाझर।